गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आपने गाड़ी सीखनी है, या तो आपके पास कोई बहुत बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई लोग आते ना हो, जाते ना हो, या फिर ऐसे खाली आपके पास वो होने चाहिए, खाली प्लाट हो, ठीक है, खाली रोड हो। और आपने गाड़ी जब भी आपने सीखनी है ना, तो मॉर्निंग के टाइम सीखनी है। मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा कोई रश वगैरह नहीं होता, ठीक है। दूसरा, आपको सारे रोड खाली मिलते हैं, तो कोशिश करनी है सुबह 5 या 6 बजे, ठीक है। डेली 1 घंटा आपने गाड़ी चलानी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है गाड़ी की। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे गाड़ी की, उतनी जल्दी आप गाड़ी सीखोगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस के ऊपर ही होती है गाड़ी, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टीयरिंग के बारे में बताऊंगा, स्टीयरिंग की मूवमेंट वगैरह कैसे करते हैं। आप इस समय देख रहे हैं स्टीयरिंग, ठीक है, ये बिल्कुल इस टाइम सीधा है। हर गाड़ी का ऐसे सीधा होता है, ये एस बना होता है, ठीक है। जो भी गाड़ी का लोगो होगा, लोगो सेंटर में होगा, और ये चीज़ जो है बिल्कुल सेंटर में होती है नीचे, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि हर गाड़ी की ये स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा, कई बार सीधा नहीं होता, किसी गाड़ी का ऐसे टेढ़ा भी होता है। मेरी गाड़ी का थोड़ा सा ये टेढ़ा है, ऐसे स्टीयरिंग रहता है तब मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा तो मेरी गाड़ी इस तरफ को, राइट टर्न को अपने आप टर्न करना शुरू कर देगी, ठीक है। और स्टीयरिंग मैंने आपको अभी अपना सीधा बताया है, इसका मतलब ये नहीं भी हमारे जो गाड़ी के टायर हैं बिल्कुल सीधे हों। मैं गाड़ी के टायर आपको दिखाता हूँ बाहर निकल के, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, गाड़ी के टायर इस टाइम थोड़े से टेढ़े हैं, राइट साइड को मुड़े हुए हैं। इसका मतलब स्टीयरिंग के ऊपर नहीं जाना, आपने जब भी गाड़ी चलानी है पहले गाड़ी के टायर बाहर निकल के देख लेने हैं, ठीक है, भी गाड़ी के टायर सीधे हैं या थोड़े बहुत मुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए हाँ जी फ्रेंड्स, ये गाड़ी की रेस होती है, इसे हम एक्सीलेटर बोलते हैं, और ये गाड़ी का ब्रेक होता है जो सेंटर में होता है, बीच में है जो, इसे हम गाड़ी की ब्रेक बोलते हैं। इसको क्लच भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लच होता है, इसको हम दबा के रखते हैं जब हमने गाड़ी स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। और ब्रेक के ऊपर हमारा पैर होता है, जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है ब्रेक के ऊपर पैर रखना है, ब्रेक दबा के रखनी है, क्लच दबा के रखना है, और यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करनी है। ये अभी स्टार्ट करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। गाड़ी स्टार्ट होगी, ये जो सेल्फ है ज़्यादा लॉन्ग प्रेस करके नहीं रखनी, ज़्यादा दबानी नहीं है। एक बार दोबारा प्रेस दोबारा चला के दिखाता हूँ आपको, एक बार दोबारा सेल्फ मारूँगा मैं। सेल्फ को ज़्यादा लॉन्गली प्रेस करके नहीं रखना, अगर ज़्यादा लॉन्गली प्रेस करके रखोगे तो ये आपकी जो सेल्फ है ना वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है, गाड़ी की सेल्फ ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, दोबारा मारने लगा हूँ सेल्फ, बस इतना सा प्रेस करना है, ठीक है जी। गाड़ी स्टार्ट हो गई है हमारी, उसके बाद हमारा क्या काम होता है, गियर डालना। ये हमारा गियर लीवर है, अभी ये बिल्कुल न्यूट्रल में है। जब आपका गियर ऐसे मूवमेंट करे, इसका मतलब गियर नहीं डला हुआ, ठीक है। तो पहला गियर यहाँ पे है, डिज़ाइन इसके ऊपर बना हुआ है, आप गियर के सारे नंबर वगैरह इसके ऊपर लिखे होते हैं, आपने उस हिसाब से गियर डालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट गियर डालने के लिए इसको थोड़ा सा लेफ्ट करूँगा, लेफ्ट करके थोड़ा सा आगे करूँगा, तो मेरा ये पहला गियर लग गया, ठीक है जी। पहला गियर लग गया, गाड़ी मेरी अभी खड़ी है यहाँ पे। तो पहले गियर में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेस की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है अगर हमारी गाड़ी जो है ऊँचाई पर खड़ी है, कहीं ऊँचाई पर खड़ी है, प्लेन रोड नहीं है, सीधा रोड नहीं है, थोड़ा चढ़ाई के ऊपर है, तब हमें रेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, तो मेरे को ज़्यादा रेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे करके क्लच छोड़ूंगा, 100% क्लच नहीं आपने छोड़ना, ठीक है।
ठीक है, 100% अपने क्लच नहीं छोड़ना, आपने सिर्फ 75% क्लच छोड़ना है, वो भी धीरे धीरे। ठीक है, ये देखो मैं धीरे धीरे करके क्लच छोड़ने जा रहा हूँ, ये रखो धीरे धीरे मैंने क्लच छोड़ने जा रहा हूँ, अपने पूरा 100% क्लच नहीं छोड़ना, 25% क्लच रखना है। ये देखो धीरे धीरे करके गाड़ी मेरी मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे करके गाड़ी मेरी। सबसे पहले हमने गियर को न्यूट्रल पे करना है, ठीक है, न्यूट्रल पे लेके आनी गाड़ी, फिर उसके बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले क्लच के ऊपर क्लच को पूरा दबा के रखना है, ठीक है, ब्रेक भी थोड़ी दबा के रखनी है और गाड़ी की सेल्फ मारनी है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाएंगे, पहला गियर लग गया, अब ब्रेक के ऊपर से पैर मैंने हटा लिया, बस ब्रेक के ऊपर पैर हटा के हल्का से इसके ऊपर वैसे ही रखना है, अगर सडनली हमें अचानक ब्रेक लगानी पड़े तो मैं लगा पाऊँ, ठीक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर पैर रखा हुआ है। और मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, 100% क्लच नहीं मैंने छोड़ना, 25% तक क्लच, 75% तक क्लच मैंने छोड़ना है, ठीक है, पूरा क्लच नहीं छोड़ना, वो भी धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, अगर मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा तो मेरी गाड़ी बंद नहीं होगी, मैं धीरे धीरे अभी क्लच छोड़ रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ धीरे धीरे क्लच, मैंने 25% तक क्लच नहीं छोड़ा, ठीक है, 100% क्लच नहीं छोड़ा, मेरी गाड़ी देखो मूवमेंट करने लगी, चलने लगी, अब धीरे धीरे करके ऐसे करके मैं हैंडल को मोड़ूंगा, ये देखो ऐसे करके हैंडल मोड़ लिया मैंने, गाड़ी मोड़ ली अपनी, ठीक है, क्योंकि आगे मोड़ था, मैंने गाड़ी मोड़ ली, अब धीरे धीरे करके मैंने हैंडल को सीधा कर लिया, तो अब मैं आगे जा रहा हूँ, मैंने ब्रेक के ऊपर पैर रखा हुआ है और क्लच के ऊपर हल्का सा पैर रखा हुआ है, अब मैंने क्लच छोड़ भी दिया, गाड़ी अपने आप चल रही है, बिना रेस के गाड़ी अभी चल रही है, ठीक है, मैंने खाली क्लच को छोड़ा हुआ है, अभी मैंने क्लच को हल्का सा प्रेस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरफ मोड़ना है, हल्का सा प्रेस करूँगा और धीरे धीरे करके मोड़ूंगा, और धीरे धीरे करके फिर मैं इसको क्लच को छोड़ दूंगा, ऐसे करके हैंडल मैंने मोड़ लिया था, ठीक है, हैंडल को बिल्कुल सीधा रखना है आपने, अगर हैंडल आपका इस तरह मोड़ेंगे तो गाड़ी इस तरह मोड़ेगी, अगर आप इस तरह मोड़ेंगे हैंडल को तो गाड़ी इस तरफ चली जाएगी, तो आपने ध्यान रखना है हैंडल को बिल्कुल सीधा रखना है जब भी आपने गाड़ी चलानी है स्टार्टिंग में। अभी मैंने कुछ नहीं दबाया हुआ, मैंने क्लच भी छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेक भी छोड़ दी हुई है और रेस तो मैं दे ही नहीं रहा, बिना रेस के बिना ब्रेक के गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये देखिए दोबारा बताता हूँ, अगर आप हैंडल को इस तरफ ऐसे मोड़ेंगे तो गाड़ी इस तरफ चली जाएगी, हैंडल को इस तरफ मोड़ेंगे तो गाड़ी इस तरफ जाएगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने गाड़ी बिल्कुल सीधी चलानी है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में सीधी सीधी गाड़ी चलानी है और कोशिश करनी है भी आप कोई ऐसा एरिया ढूंढो जहाँ पे आप राउंड लगा सको, ठीक है, जैसे मेरे पास ये एरिया है, इस एरिया में मैं जो एरिया में गाड़ी चला रहा हूँ मेरे पास ये पूरा राउंड बन रहा है, ट्रैक बन रहा है, ठीक है, आपने गोल गोल गाड़ी चलानी है स्टार्टिंग में, इससे आपको हैंडल के ऊपर आपकी पकड़ भी बन जाएगी, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं क्लच के ऊपर पैर रखा हुआ है हल्का सा, तो मैं रेस हल्की सी रेस दे रहा हूँ, हल्की सी बिल्कुल लाइट सी रेस दे रहा हूँ, ये देखो अब मेरी गाड़ी चल रही है, थोड़ी सी तेज होगी, आगे फिर चौराहा आ गया, चौक आ गया, तो मैंने हल्की सी ब्रेक लगा ली, यहाँ पे ब्रेक लगा ली, अब मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा और ब्रेक के ऊपर से पैर हटा के ब्रेक के ऊपर से पैर हटाया मैंने, अब रेस नहीं दे रहा और हैंडल धीरे धीरे मोड़ रहा हूँ, ये हैंडल मेरा मुड़ गया, ठीक है, जितना आपने हैंडल मोड़ना है फिर वापस भी हैंडल ऐसे करके लेके आना है, नहीं तो गाड़ी आपकी एक ही तरफ चलती जाएगी, ठीक है, जब भी आपने हैंडल मोड़ना है ना, मोड़ आपने जैसे मोड़ काटना है, कोई मोड़ आपने गाड़ी मोड़नी है,
गाड़ी मोड़ने के बाद हैंडल भी वापस मोड़ना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने हैंडल ऐसे मोड़ रहा हूँ, ये देखो ऐसे घुमा रहा हूँ मैं हैंडल, हैंडल घुमा लिया मैंने। अब मैं अगर सीधा नहीं करूँगा तो गाड़ी मेरी एक ही तरफ जाई जाएगी, तो मेरे को इसको वापस लेके आना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो हैंडल को जब आपने मोड़ पूरा कर लेते हो ना, मोड़ पूरा काट लेते हो, काटने के बाद हैंडल को वापस लेके आना होता है, ठीक है। तो अभी मेरी फर्स्ट गियर में गाड़ी जा रही है, मैं अभी सेकंड गियर में गाड़ी को डालूंगा। रेस बिल्कुल छोड़ दी, क्लच दबाया वो पूरा, थोड़ा सा पीछे किया और ऐसे करके पीछे कर दिया, ठीक है। दूसरा गियर मेरा डल गया, गाड़ी का दूसरा गियर डल गया। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ दूसरे गियर के अंदर ही, ठीक है। दूसरा गियर है मेरा, मैं अब रेस के ऊपर आ गया, ठीक है। हल्की हल्की मैंने रेस दबाई हुई है और मैंने यहाँ से अभी मोड़ काटना है। मोड़ काटने के लिए क्या करूँगा, मैं गाड़ी की स्पीड स्लो करूँगा। क्लच दबाया मैंने, हल्के हल्के ब्रेक दबाई और धीरे धीरे ऐसे करके हैंडल घुमाना शुरू कर दिया और हल्की हल्की रेस दी। क्लच पूरा नहीं छोड़ना आपने, ठीक है, मोड़ के ऊपर आपने क्लच पूरा नहीं छोड़ना, दबा के रखना क्लच को, क्लच को दबा के रखना है, ठीक है। 25% तक आपने क्लच दबा के रखना है, 100% में से 25% आपने क्लच दबा के रखना। अब फिर मोड़ आ गया, मैंने गोल गोल गाड़ी चलानी है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने भी गोल गोल गाड़ी चलानी है, अगर आपको कोई खाली मैदान वगैरह मिलता है तो आपने गोल गोल ही गाड़ी चलानी है, तो ठीक है। अब मैंने क्लच छोड़ा हुआ है, हल्की सी रेस दबाई हुई है, हल्की सी रेस, बहुत ज़्यादा रेस नहीं देनी। अब मैं आप बिल्कुल हल्की सी रेस दबाई हुई है, गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही रेस की। अब आपके सामने अगर कोई ट्रैफिक हो तो आप क्या करोगे, उसे हॉर्न मारोगे, कोई बंदा हो उसे हॉर्न मारोगे, वो अपने आप आपको साइड दे देगा, तो आपने सीधी सीधी गाड़ी चलानी है, ठीक है। ये मैं राउंड राउंड गाड़ी चला रहा हूँ, बिल्कुल राउंड राउंड, तो आपने स्टार्टिंग में राउंड राउंड ही गाड़ी चलानी है, उससे क्या होगा आपको हैंडल के ऊपर भी आपकी पकड़ बन जाएगी, ठीक है, हैंडल के ऊपर भी आपकी पकड़ बन जाएगी। ये देखो आगे फिर टी चौक आ गया, तो मैं हल्की सी ब्रेक दबा रहा हूँ। ब्रेक को कभी भी आपने झटके से नहीं दबाना, जैसे एकदम से नहीं दबाना, एकदम से दबाओगे तो गाड़ी आपकी झटके से बंद हो जाएगी। तो धीरे धीरे फिर मैं रेस दे रहा हूँ हल्की सी, हल्का सा क्लच छोड़ा है, क्लच मैंने 100% नहीं छोड़ा, गाड़ी मैंने मोड़ ली है, फिर मैंने हैंडल ऐसे दोबारा वापस मोड़ लिया, ठीक है। जैसे हैंडल मोड़ना है, फिर दोबारा जब आपका मोड़ जब कट जाए ना, तो आपने दोबारा वापस हैंडल लेके आना है। जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोक ली, आपने हमेशा मोड़ के ऊपर गाड़ी रोकनी है। मोड़ के ऊपर गाड़ी नहीं रोकोगे तो आपको अचानक से कोई आपके सामने आ गया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है ना इसलिए। तो मोड़ के ऊपर मैंने गाड़ी रोकी, अब मैंने ब्रेक भी लगाई हुई है, अब मैं ब्रेक थोड़ी सी रिलीज़ करूँगा, हल्का सा क्लच मैंने छोड़ा, ठीक है, क्लच पूरा नहीं छोड़ना, हल्की सी रेस, रेस बिल्कुल लाइट देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, धीरे धीरे। क्लच मैंने पूरा नहीं छोड़ा हुआ, गाड़ी मैंने मोड़ ली, फिर मैंने हैंडल दोबारा वापस मोड़ लिया, ठीक है। हैंडल मोड़, जब आपने मोड़ काटना है हैंडल मोड़ना है, मोड़ने के बाद फिर दोबारा हैंडल वापस लेके आना है। अगर वापस नहीं लेके आओगे तो आपकी गाड़ी एक ही तरफ जाती रहेगी, हमने एक ही तरफ गाड़ी नहीं चलानी, सीधी चलानी है। अब मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है आगे, फिर एक आपने ज़्यादा गाड़ी तेज नहीं चलानी, ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी चलानी है। दो तीन दिन आपने ऐसे ही राउंड लगाने हैं, ठीक है। फिर मैंने मोड़ काटने लगा हूँ, मैंने गाड़ी की स्पीड स्लो की, कैसे स्लो की, ब्रेक लगाई, हल्की हल्की ब्रेक लगानी है, धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे करके ब्रेक लगानी है, धीरे धीरे करके, झटके से नहीं लगानी, ऐसे नहीं दबा देनी, एकदम से दबाओगे गाड़ी उसी समय वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। वो भी मैं आपको करके बताऊँगा भी कैसे आप स्टार्टिंग में ब्रेक गलती से लगाते हो तो गाड़ी झटके से कैसे बंद रुक जाती है, ठीक है। तो अभी मैं मोड़ काट लेता हूँ पहले, ठीक है। हल्की सी मैंने रेस दी, पहले क्या करना आपने, रेस दे के रखनी है, हल्की सी रेस देनी है, बिल्कुल लाइट सी रेस दे के रखनी है, कंटिन्यूसली दबा के रखनी है, बिल्कुल लाइट सी, हल्की सी। 100 में से मान लो कि आप 5% आपने रेस के ऊपर पैर रखना है, 100 में से 5% आपने रेस दबा के रखनी है हल्की सी।
और धीरे धीरे करके क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे गाड़ी का धीरे धीरे करके क्लच छोड़ना है। धीरे धीरे करके मैंने क्लच छोड़ा है, 100% नहीं छोड़ना, 25% तक अपने क्लच के ऊपर पैर रखना है, जब 5% क्लच के ऊपर पैर रखना है, बिल्कुल क्लच नहीं छोड़ना, नहीं तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अब दोबारा मैं यहाँ पे मोड़ काटने जा रहा हूँ, मोड़ काटने से पहले आपने ब्रेक लगानी है, ब्रेक लगा ली, ब्रेक लगा के फिर आपने वही काम करना है, आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, गाड़ी रोकने की, गाड़ी चलाने की, इसी चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं फिर इधर मोड़ रहा हूँ, आपने बार बार गाड़ी रोकनी है, आप सीधी भी चला चला के गाड़ी रोक सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, जो न्यू यूज़र होते हैं, जैसे कोई नया गाड़ी सीखने वाला बंदा होता है, वो कैसे ब्रेक लगाता है। अब गाड़ी चल रही है, मैं उसको बोलूँगा ब्रेक लगा, वो ऐसे करके ब्रेक लगा देगा, हो रुक गई गाड़ी, ऐसे करके ब्रेक नहीं लगानी, ठीक है, कोशिश करनी है धीरे धीरे ब्रेक लगानी है। अब मैं गाड़ी का क्लच फिर धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, हल्का हल्का छोड़ रहा हूँ, और हल्का सा मैंने ब्रेक के ऊपर पैर रखा हुआ है, ठीक है। आपने ब्रेक जब भी लगानी है, ब्रेक के ऊपर पैर रखना है, हल्का सा उसको प्रेस करते जाना है, हल्का हल्का प्रेस करना है, जैसे आपने क्लच छोड़ते हैं ना, हल्का हल्का क्लच छोड़ते हैं, वैसे ही आपने हल्का हल्का इसको ब्रेक को लगाना है, तो स्मूथली ब्रेक ऐसे लगती है, ठीक है जी।